कि अब टोला से बख्तालवी मरकज आजीज हो चुका अपने जीवन से, अब वो आत्महत्या करने के लिए तैयार है, वो मर जाने के लिए तैयार है, उसका परिवार उसको घर से निकाल देने के लिए तैयार है। जब तक है तब तक यही रहेंगे, मिट जाएंगे, बाकी उनको बात सुनना पड़ेगा। अगर पुलिस हम पे डंटा चलाए हो सकता है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपने मुझे सृजन किया है तो मैं जाऊं तो कहां जाऊं। कोई यदि शराबबंदी का काम है तो सबसे आगे कौन जाएगा, तो टोला सेवक। यदि गांव में यदि राशन कार्ड बांटने की बात है तो कौन जाएगा, तो टोला सेवक तालीम मरकज। और भी अन्य जो भी सामाजिक काम है उसमें कौन आगे बढ़ के जाएगा, तो टोला सेवक तालीम मरकज। बहुत हमारे साथी मर चुके हैं, उनको अनुकंपा का लाभ से जोड़ा जाए ताकि उनका भी घर बसर हो सके और उनको भी नौकरी मिल सके ताकि वो अपने बाल बच्चे का परवरिश कर सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मैं आपके पास आया हूं और आपसे मैं विनती करता हूं, 30,000 परिवार टोला सेवक और तालमी मरकज में विनती करता हूं कि मैं आपके द्वार पर आकर के मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा और आप हमारी बातों को जब तक नहीं मानेंगे मैं यहां पड़ा रहूंगा। हो सकता है कि हमारा कुछ सिस्टम आगे पीछे हो, पुलिस हमारे बर्बरता दिखाए, पुलिस हम पे डंटा चलाए, हो सकता है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपने मुझे सृजन किया है तो मैं जाऊं तो कहां जाऊं। ये कब की कब का क्या है, पूरा विस्तृत बताइए। मैं विस्तृत यही कहना चाहूंगा कि ये टोला सेवक और तालमी मरकज 2008 में इनकी बहाली हुई और आज तक के डेट में हम लोग एक विद्यालय में काम कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाना, महादलित बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को, जब शिक्षक गायब रहते हैं, अभी पूरे बिहार में मैं आपको बता दूं कि बिहार के तमाम स्कूल में जहां जहां भी टोला सेवक और तालमी मरकज हैं, एक विद्यालय में यदि शिक्षक यदि आराम करेंगे तो काम कौन करेगा, तो टोला सेवक तालमी मरकज। यदि कोई यदि शराबबंदी का काम है तो सबसे आगे कौन जाएगा, तो टोला सेवक। यदि गांव में यदि राशन कार्ड बांटने की बात है तो कौन जाएगा, तो टोला सेवक तालीम मरकज। और भी अन्य जो भी सामाजिक काम है उसमें कौन आगे बढ़ के जाएगा, तो टोला सेवक तालीम मरकज। यानी कि जो भी सामाजिक, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आज तक जो भी सामाजिक उत्थान का कार्य हुआ, बिहार के टोला सेवक और तालीम मरकज आगे बढ़ के काम किया है। और जब काम किया तो काम करते करते आज 11 साल 12 साल 13 साल में जो के मैंने जो 5 साल की बेटी थी वो 18 साल 22 साल की हो गई, उसकी शादी भी तो करना है, 3,000 5,000 8,000 में कैसे हम लोग का जीवन चलेगा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये कहने आया हूँ कि अब टोला सेवक तालमी मरकज आजीज हो चुका अपने जीवन से, अब वो आत्महत्या करने के लिए तैयार है, वो मर जाने के लिए तैयार है, उसका परिवार उसको घर से निकाल देने के लिए तैयार है। इसलिए मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, चलो मुख्यमंत्री द्वार वही लगाएंगे बेरा पार, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उनको जगाने आया हूं, उनको मनाने आया हूं और हम लोग उनके दरवाजे पे रोने आए हैं। हो सकता है हमारी वेदना को सुन के वो हमारी 3 सूत्री मांग, हम लोगों का वेतन फिक्सेशन, अनुकंपा का लाभ और विद्यालय में समायोजन के लिए हमें प्रशिक्षण दे के 2018 के नियमावली में संशोधन कराने की मैं उनसे गुजारिश करता हूँ। अभी कितनी वेतन है, वेतन अभी मात्र 9,680 रुपये है। और कितने की मांग है आपकी? हम लोग की मांग तो अब 24,000 तो 4 साल से कर रहे हैं। 11,000 में आज से मैंने 2012 से जब हम लोगों ने शुरुआत किया तो 2020 में 11,000 हुआ। अब हम 24,000 4 साल पहले से मांग रहे हैं तो लगता है कि हमारी मृत्यु के बाद ही होगी 24,000। तो मैं तो सीधा कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, ये बढ़ोतरी वाला बात छोड़िए और जब आपने इतना महादलित पे आप कृपा कर रहे हैं तो आप एक ही बार वेतन फिक्सेशन कर दिए और वेतन फिक्सेशन कीजिएगा प्राथमिक शिक्षक के समान, तो ऐसे भी 34,000 35,000 हो जाएगा और उसके बाद आपको कोई चिंता भी करने की बात नहीं होगी। हम लोग को जो काम कीजिएगा, जो काम लीजिएगा, हम लोग काम करने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग का बाल बच्चा ठीक से चले, हम लोग आगे काम करते रहेंगे। बस दो सूत्र और क्या क्या है? 3 सूत्री मेरी मांग है, उसमें 2018 नियमावली संशोधन करके हम लोग को विद्यालय में समायोजन हेतु और ये प्रशिक्षण करा करके समायोजन किया जाए प्राथमिक शिक्षक में, और दूसरी मांग है अनुकंपा का, और सबसे प्रथम मांग है हमारा मानदेय फिक्सेशन का। ये 3 मांग है और 3 मांग में, और इसके अलावा हमारा सेवा अभिलेख अभी तक नहीं बना है तो, और 2018 में सबसे पहले संविदा कर्मी का सबसे पहले यदि आदेश निकला तो टोला सेवक का और विकास मित्र का सेवा अभिलेख का, लेकिन सेवा अभिलेख पता नहीं क्या नियम के कारण वो उलझ के रह गया है जिसके कारण अभी तक रुका हुआ है। तो हम लोग का ये 3 काम कर दे, बाकी सब काम तो हो ही जाएगा। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मनोज कुमार रजक हुआ, मैं बिहार संविदा कर्मी शिक्षा सक तालीम मरकज का प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये बताइए इससे पहले आपने सरकार से कोई बातचीत की है या फिर सरकार के पदाधिकारियों से? सरकार के पदाधिकारी के मुख्यमंत्री के वीएसडी से बातचीत हुई थी, उन्होंने बोला था क्या कि तुम लोगों का बहुत अच्छा होने वाला है, सैलरी फिक्सेशन हो जाएगा, लेकिन किस
खोच में पड़ गया कि आज तक हम लोग निराशा ही हाथ लग रही है। हम बिहार सरकार से यही मांग करते हैं कि इस महंगाई को देखते हुए हमारी मानदेय बढ़ोतरी न किया जाए, सैलरी फिक्सेशन किया जाए, और हम लोगों को जो हमारे साथी जो हमारा 8 से लेकर अभी तक बहाल है, बहुत हमारे साथी मर चुके हैं, उनको अनुकंपा का लाभ से जोड़ा जाए ताकि उनका भी घर बसर हो सके और उनको भी नौकरी मिल सके ताकि वो अपने बाल बच्चे का परवरिश कर सकें, और प्राथमिक शिक्षा का दर्जा देते हुए विद्यालय में समायोजन किया जाए, और 2018 का जो नियमावली है सेवा शर्त है उसको सुधार करते हुए प्राथमिक शिक्षक में समायोजन किया जाए। अच्छा, इससे पहले आपने बताया कि बात हुई थी पदाधिकारी, कब बात हुई थी और उस उधर से क्या आश्वासन मिला था? बात लगभग 2019 में हुई थी और आश्वासन मिला था 9 जनवरी 2019 को वार्ता हुई थी जिसमें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव भी थे, लेकिन डीएलएड प्रशिक्षण का भी आश्वासन मिला था, लेकिन आज तक किस फाइल में रह गया कि आज तक हम लोग को धरातल पर देखने को नहीं मिला, दौड़ते रह गए लेकिन आज तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? हम क्या बोलना चाहेंगे, हम तो यही कहना चाहेंगे कि इस माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, आपके आपका चैनल का तो मैं मित्र भी हूँ, आपका चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे मुद्दा उठते हैं, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि इस बातों को सरकार तक पहुंचाइए, और आप जब पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार हमारी बात सुनेगी। हमारी कोशिश रहेगी सर सरकार तक पहुंचाने की। मैडम क्या नाम हुआ आपको? विभा कुमारी। सरकार को से आपकी कितनी उम्मीद है, क्या आपकी बात सरकार मांगेगी? मांगना तो उनका पड़ेगा ही, हाँ जैसे मांगे। हम लोग यहाँ धरना पर है, लेडीज हो के हम लोग जितना अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक है तब तक यहीं रहेंगे, मिट जाएंगे, बाकी उनको बात सुनना पड़ेगा। अगर सरकार कह दे कि हम नहीं आपका बात मानेंगे तब आपका नहीं हो सकता है, क्यों नहीं मानेंगे? अगर पौधा लगा दिया है तो पौधा का सींचना उनका काम है, तो क्यों नहीं मानेंगे? 2009 से हम लोग काम कर रहे हैं, आज तक हम लोग का लड़की 22-23 साल के हो गया, और 9000 से हम लोग का क्या होने वाला है? हम लोग 9000 में परिवार चला सकते हैं? नहीं ना चला सकते हैं, तो उनको मानना पड़ेगा, जैसे हो तैसे उनको मानना पड़ेगा। अच्छा, तो देख लीजिए ये टोला सेवक हैं जो कि बिहार की विकास में अग्रिम भूमिका निभाते हैं, और लगातार जो है, जो चाहे वो शराबबंदी का मामला हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड या स्वास्थ्य से संबंधित मामला हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित मामला हो, टोला सेवक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पेज पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।